यार अल्टीमेट लोकेशन है भाई। ये रही अपने पीछे पांडव शिला, मैं एक उंगली से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ से पत्थर फेंकते हैं। वैसे ऊपर बहुत, मतलब उंगली से तो नहीं हिलती, हाथ से हिल जाती है जोर लगाने पे। देखो नीचे पत्थर और ऊपर मंदिर बना है, जय ग्रीनरी के बीच में कॉलेज। वो ऊपर से नीचे तक मक्की का खेत है। तो अपने आगे चलिए 220, अभी मैं थनाग पहुंचने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो यार आज मैं जा रहा हूँ जंजैली, तो आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों जा रहा हूँ जंजैली। तो यार अभी चलते हैं यहाँ से, तो अभी मैं हूँ पंडो डैम के पास, रेड ब्रिज कॉर्नर के पास। सो पीछे लगी है स्पीडी, तो अभी चलते हैं यहाँ से, तो आगे बताता हूँ मैं आपको कि क्यों जा रहा हूँ मैं जंजैली। तो आप लोग बने रहो व्लॉग में। तो गाइस ये रही अपनी स्पीडी, तो अभी मैं हेलमेट वगैरह लगा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे, तो आप लोग बने रहो। तो गाइज अभी मैं निकल गया हूँ पंडो से। तो यार जुकाम लगा है आपको, मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंज लग रहा हो ना। तो यार आज मैं जा रहा हूँ जंजैली सराज वैली में। तो यार जंजैली जाने का रीज़न है, जो संजू भाई है ना, मैंने एक ब्लॉग बनाया था देखो टिप्पर पे, तो संजू भाई है, तो यार उनके पैर में आ गई है प्रॉब्लम, वो गिर गए बाइक से। तो वो बता रहे थे कि उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है हड्डी से रिलेटेड, वो पंजे में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो डॉक्टरी दवाई भी ले रहे हैं। बट यार जंजैली में हड्डियों के लिए मिलती है दवाई, बहुत सही होती है, वो मैंने भी खाई है बचपन में, मेरी आर्म टूटी थी राइट वाली तो तब खाई थी। तो यार बहुत फेमस है वो दवाई हड्डियों के लिए, तो तभी जा रहा हूँ जंजैली। आज उनको हो गए 10 या 12 दिन हो गए, मतलब घर पे ही है वो, ना काम धंधा कुछ, और ऊपर से मतलब उनकी शादी भी है दिसंबर में, तो तब उनको काम है बहुत ज़्यादा और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सुबह उनकी कॉल आई थी, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसी ऐसी दवाई है तो तू लेके आ जा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने भी मम्मा को पूछा, घर में पूछा, तो फिर निकल गया। तो यहाँ पंडो डैम से ले लिया मैंने राइट, आप लोगों ने देखा होगा, तो यहीं से जाते हैं जंजैली को। तो ये देख रहे हो ये सरोवा विलेज, अभी चलते हैं यहाँ से। तो यार अभी तो काफ़ी चेंज आ गया है यहाँ पे, मैं बहुत पहले आया था इस साइड। तो ये देखो गाइस लोकेशन चेक करो, आगे बस भी चली है HRTC वालों की, आई थिंक ये जंजैली जा रही है, तो हम बस के पीछे पीछे जाएंगे, पीछे नहीं हम बस के आगे जाएंगे, अगर हम पीछे गए तो धूल से बुरा हाल। ओ भाई साहब गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, यार रोड पक्का आ गया, मतलब मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि रोड यहाँ पे पक्का आ सकता है। सो सैड, बस थोड़ी सी अपनी खुशी जाहिर की नहीं और हमारी खुशी ख़त्म, फिर से ऑफ रोड। तो यार गाइस अभी मैं पहुँच गया फाइनली कांडा, तो यार यहाँ से लेंगे अब हम लेफ्ट, तो मंडी के लिए गया ये वाला रोड और अभी हम जाएंगे जंजैली यहाँ से। यहाँ पे शॉप्स वगैरह है, अगर आपने कुछ लेना है खाना है तो यहाँ पे खा सकते हो। तो अभी यहाँ से चलते हैं जंजैली। तो यार यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे एक स्टोरी डाल लेता हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। गाइज यहाँ पे है मंदिर, देखो आप मंदिर, जय हो है देव शिव, तो शिव जी का मंदिर है ये भोलेनाथ जी का। तो ये देखो नीचे पत्थर और ऊपर मंदिर बना है, जय भोलेनाथ। तो यार अभी चलते हैं यहाँ से, बाकी यार अब यहाँ का व्यू बहुत सही आ रहा है और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख पा रहे हो। तो गाइस जंजैली बच गया हमें 27 किलोमीटर, तो नेक्स्ट लोकेशन है यहाँ से थुनाग, तो आप लोग बने रहो व्लॉग में।
यार यहाँ से रोड्स वगैरह सही है एकदम। तो आप लोग राइड को एंजॉय करो और कमेंट करो कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको दिल से थैंक यू। और यार गाइस आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही जल्द मेरे 4K होने वाले हैं, जल्दी से 4K करवा दो उसके बाद 5K। तो यार अभी मैं ज़्यादा दूर का नहीं सोच रहा हूँ, अभी बस 4K करवा दो फ़िलहाल। तो आई थिंक 200 सब्सक्राइबर्स की कमी है और फिर हो जाएंगे अपने 4K। तो जल्दी जल्दी करवा दो 4K, और आप लोग जितना भी सपोर्ट कर रहे हो यार उसके लिए दिल से थैंक यू। जंगल देखो गाइस कितना करना है वहां पे। तो ये देखो ये रोड गया, यहाँ से गया रोड मनरेगा पार्क के लिए, और CM जयराम ठाकुर जी के घर के लिए भी यहीं से ये वाला रोड गया यहाँ से। तो चलो चलते हैं यहाँ से, हमने तो जंजाली जाना है। रोड एकदम मक्खन की तरह है, अगर मैं ज़्यादा ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ तो स्पीडी मक्खन की तरह रोड से बाहर भी जा रही है, तो थोड़ा सिक्योरली चलना पड़ेगा। तो अपने आगे चलिए 220। अभी मैं थुनाग पहुँचने वाला हूँ, आई थिंक थुनाग 1 किलोमीटर बच गया है यहाँ से। तो 220 का मडगार्ड खोल दिया और 220 एकदम मस्त लग रही है, और भाई ने भगाई भी ज़बरदस्त है। तो यार आज तो मैं सोलो राइड पे निकल गया हूँ, यो यो यो, भाई ने देख लिया कि मैंने कैमरा लगाया है, तो भाई भी लग गए लहराने बाइक को। तो यार अभी पहुँच चुका हूँ मैं थुनाग में, तो अभी चलते हैं गाइस सीधा जंजैली। तो आप लोग देखो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है आगे, और बने रहो ब्लॉग में, ब्लॉगो करो लाइक कमेंट शेयर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को करो सब्सक्राइब, और बने रहो ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखो एंड तक। आज आपको दिखाएंगे जंजैली वैली। यार क्लोज कॉल्स हो रही है यहाँ पे, नीचे से कोई नदी जा रही है आ रही है। जंजैली बच गया 10 किलोमीटर, तो बने रहो आप लोग। तो गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ लंबा थाच में, तो आप लोग देख सकते हो नीचे है गवर्नमेंट कॉलेज लंबा थाच। तो यार सही है व्यू देखो, एकदम ग्रीनरी के बीच में कॉलेज। तो ये चेक करो गाइस, वहाँ पे देखो मक्की के कितने बड़े बड़े खेत हैं, मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। ये चेक करो आप, ऊपर से देखो ऊपर से नीचे तक मक्की का खेत है, तो ऊपर से नीचे तक मक्की के खेत है। तो ये देखो ये रही नीचे पांडवशिला, तो चलो चेक करते हैं अभी, देखते हैं हिलती है उंगली से या नहीं। तो यार अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं इसको हिलती है एक उंगली से या नहीं, यहाँ लिखा है इसके बारे में। ये देखो रोक के पढ़ लेना आप, मेरे पीछे है पांडवशिला देखो, और यार यहाँ पे देखो पीछे छोटे छोटे ब्रिज भी बने हैं, आई थिंक पार्क टाइप का है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो रेस्ट कर सकते हो, मैंने तो अभी आगे जाना है। तो यार गाइज यहाँ से पत्थर फेंकते हैं, वैसे ऊपर बहुत सारे पत्थर है, एक हट जाएगा यार ऊपर,
तो अपना पत्थर तो ऊपर रुक गया, आई होप मेरी विश पूरी हो। तो यार गाइज ये रही पांडव शिला, तो मैं एक उंगली से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये हिली तो है नहीं। बाकी यार बोर्ड पे तो ऐसा लिखा है एक उंगली से हिलती है, तो यार गाइज मतलब उंगली से तो नहीं हिलती, हाथ से हिल जाती है जोर लगाने पे। यहाँ पे एक भाई मिले थे मेरे को, ये देखो ये जो गए तो इन्होंने बताया, तो यहाँ पे लकड़ लगाया, देखो मैं हिलाऊँ ये लकड़ भी हिलता है देखना। यार आपको कैमरा में नहीं दिख पा रहा हो ना, ये देखो हिलाना लकड़ हिल रहा है, देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो यार हिलता है ये। आप लोग खुद ट्राई कर लेना, मतलब हिलता है, हाथ से जोर लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो यार हिलता है ये, लकड़ भी हिला और ये पांडव शिला भी हिली, तो यार ये तो मतलब एक चमत्कार है, तो हिल गया। तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो यार मतलब हिमाचल में, मतलब हिमाचल यार हिमाचल की बात ही कुछ अलग है, मतलब चमत्कार जगह जगह पे। इतना बड़ा पत्थर यार एक हाथ से हिल गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लकड़ और पत्थर है ना अच्छे से हिला। आप लोग जब भी यहाँ आओ तो देख लेना, बिल्कुल रोड के पास में ही है यार, तो थोड़ा सा आई थिंक 5 या 10 मिनट लगेंगे आपके, अगर आप फैमिली के साथ भी आते हो यहाँ पे तो ज़रूर एक बार यहाँ पे रुके और इस चमत्कार को देखो। वहाँ पे देखो यार अल्टीमेट लोकेशन है भाई, अल्टीमेट। और वहाँ पे देखो गांव इतना प्यारा, नीचे नदी और लोग भी यहाँ के प्यारे हैं बहुत। तो चलते हैं यार यहाँ से गाइज, लोकेशन चेक करो, अल्टीमेट लोकेशन है यार। फाइनली पहुंच गया मैं उनके घर पे, तो ये है देखो ये उनका घर, तो वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो गए हैं गाड़ी के साथ, गाड़ी साफ़ करते हैं, तो उनको कॉल की थी मैंने, यहाँ पे नंबर मिल गया उनका शॉप से। तो ये है उनका घर, अगर आपको भी हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैं पहले उनसे पूछता हूँ कि किस काम आती है। मेरी तो हड्डी टूटी थी, तो हड्डी टूटने के बाद खिलाई थी मेरे को, वो प्लास्टर भी लगा था बट उससे ऐसा कि हड्डी मजबूत हो जाती है टूटी हुई हड्डी, तो उसके लिए होती है वो। तो ये है देखो दुकान यहाँ पे, दुकानी, तो ये है उनका घर यहाँ पे। तो अब कर लेते हैं 5-10 मिनट का वेट, तो फिर लेते हैं दवाई। तो यार गाइस ये रही वो दवाई, देखो इसमें गोलियाँ गोलियाँ बनी पड़ी है। तो यार ये दवाई है, मुझे इसकी स्मेल याद आ गई कि मैंने भी खाई है, तो यार बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अपना काम हो गया, तो यार दवाई फ़िलहाल मिल गई, तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। तो आप लोग बताना कि ब्लॉग कैसा लगा आपको, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और अगर आपने ये दवाई लेनी है तो यहाँ मैंने बता दिया आपको सब कुछ, तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, राइड सेफ बी सेफ, ओके बाय टेक केयर।